भोजन के बाद कभी भी दही नहीं खानी चाहिए। जो लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हैं, भोजन के बाद कभी भी दही ना खाएं, भोजन के साथ खा लें, भोजन से पहले खा लें, लेकिन भोजन के बाद दही कभी नहीं खानी चाहिए। रात्रि में कभी भी पेट भर के भोजन नहीं करना चाहिए। अगर ज्यादा जिंदा रहना है, बीमारियों से दूर रहना है, तो रात्रि का भोजन वो मटका टाइप नहीं हो कि पेट फूला ऊपर उठ रहा टेंट की तरह। मैंने देखा है कई लोगों की तो टी शर्ट के बटन टूट जाते रात्रि के भोजन के समय, इतना तान के करते। और कई लोग तो और भी अच्छे हैं, गजब के तुम्हारी सुभैया, पेंट का बटन खोल के फिर बैठते कि ज्यादा खाएंगे। अब अब फिर भोजन के बाद लगाते हैं तो वो लगता नहीं। अब गए हुए पार्टी में बटन खोल लिया, अब जैसे तैसे लगाया, बेल्ट बांधी, और जैसे ही बेल्ट बांधी बटन टूट गो। अब बेल्ट ने थोड़ी लाज रख ली, और जब आके कहा आज अगर बेल्ट पहन के नहीं जाता तो बड़ी इंसल्ट हो जाती। किससे कह रहा है? पत्नी से। पत्नी माथा पकड़ के कहती, पहले ही कहती हूं कम खाया कर, गुब्बारा बहुत फूला। मानता नहीं है गुब्बारे माने बैलून। तो कभी भी रात्रि में भोजन पेट भर के नहीं करना चाहिए। दोपहर का भोजन खूब करो, लेकिन रात्रि का भोजन हल्का करना चाहिए। अगर 3 रोटी की भूख है तो 2 ही खाओ, 1 रोटी का भूख छोड़ दो। थोड़ा भोजन करने वाले को 6 गुण प्राप्त होते हैं, आरोग्य, आयु, बल, सुख तो मिलते ही हैं, उसकी संतान भी सुंदर होती है। ए मटका, हेलो मिस्टर मटका, सुनो, ये जितने जिन लोगों की संतान अच्छी ना हो ना, ब्यूटीफुल और हैंडसम ना हो, उन संतानों को अपने बाप से जाके लड़ना चाहिए, अपनी मां से लड़ना। इतना खाने की क्या जरूरत थी तुमको, इतना खाए हो भाई, हमारा कलर डार्क कर दिए हो। सच्ची बता रहे, कसम से, ऋषियों ने लिखा है अधिक भोजन करने वाले की संतान अच्छी नहीं होती, कम भोजन करने वाले की संतान ज्यादा सुंदर होती है। तथा यह बहुत खाने वाला है ऐसा कहकर लोग भी उसकी उपेक्षा करते, उसका उपास करते। तो इसलिए रात्रि के भोजन में विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे जिससे आपकी आने वाली पीढ़ी भी सुंदर हो और अच्छी हो। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा।